हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ IRCTC का टिकट आपको कैसे रिफ़ंड करना है और कितने टाइम में रिफ़ंड होता है, वो बुक कर लिए अगर आपने, और आपको कैंसिल करना है, आपको पैसा रिफ़ंड चाहिए तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, देने वाला हूँ सारी इन्फॉर्मेशन। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, गूगल क्रोम पे आपको मैं जाके दिखाता हूँ, IRCTC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन किया है। दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद, ऊपर थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन के। दोस्तों, उस पर आपको क्लिक करना है, ट्रेन का ऑप्शन जो आपको दिख रहा है। दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, बुक नाउ, फॉरेन टूरिस्ट बुकिंग, बहुत सारे अलग अलग, IRCTC ट्रेन्स, कैंसिल टिकट, PNR इंक्वायरी, ट्रेन शेड्यूल। तो आपको दोस्तों कैंसिल टिकट पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ई टिकट्स और काउंटर टिकट्स। तो ई टिकट्स अगर आपने ऑनलाइन बुक किया है तो आप ऑनलाइन कैसे कैंसिल करें वो भी आपको प्रोसीजर दिखा दूंगा, और काउंटर टिकट का भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। दोस्तों, ये प्रोसीजर जो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ऊपर आप देख सकते हैं, ये प्रोसीजर जो आपने ऑनलाइन बुक किया है और आपको कैंसिल करना है उसके क्या प्रोसीजर है, ये सारे आपको इधर दिख रहेंगे, सारे इन्फॉर्मेशन है। एंटर PNR नंबर, ट्रेन नंबर अलॉन्ग विथ कैप्चा, सिलेक्ट चेक बॉक्स टू कन्फर्म डेट, रूल्स एंड प्रोसीजर आर रीड। यहाँ पे आपको क्या डॉक्यूमेंट देना है और क्या क्या प्रोसीजर है, ये सारे 7-8 पॉइंट लिखे हैं, मैंने जूम करके आपको दिखा दिया है और आप वो देख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने डायरेक्टली काउंटर से टिकट बुक किया है तो उसका क्या प्रोसीजर है और कितने टाइम में होता है। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है रिफंड अक्रॉस काउंटर कैन बी टेकन ऑन सबमिशन ऑफ ओरिजिनल टिकट, और यहाँ पे आपको डेट भी दिया है, मतलब 6 महीने का टाइम है। जैसे आपने जनवरी में टिकट बुक किया है तो जनवरी से लेके आने वाले 6 महीने के अंदर आप इजीली टिकट कैंसिल कर पाओगे आपका, और आपको आपका रिफ़ंड मिल जाएगा। दोस्तों, तो 6 महीने के अंदर आपको रिफ़ंड मिलता है और 6 महीने के अंदर आप रिफ़ंड कर सकते हो, उसके बाद आपको रिफ़ंड नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको दोनों प्रोसीजर्स बता दिए हैं, जैसे अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो उसके क्या प्रोसीजर्स है, और अगर आप टिकट घर से डायरेक्टली आप जाके फिज़िकली आप अपना ले लिए हो टिकट और आपको कैंसिल करना है तो उसका भी मैंने आपको टाइम बता दिया है। दोस्तों, 6 महीने का टाइम मिलता है आपको। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल चुकी होगी। वीडियो आपको ये कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। दोस्तों, और इसी से रिलेटेड आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं आपके लिए बना दूंगा। दोस्तों, और लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ दोस्तों, और आगे भी लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के स्टे सेफ एंड स्टे होम। ओके, बाय गाइस, टेक केयर।